क्लास 8 आई मीन मैथमेटिक्स टीचर्स मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 24 का आगाज करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सेंट टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 से लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है एडिशन ऑफ नंबर इन बाइनरी सिस्टम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सीख सकेंगे कि बाइनरी सिस्टम में नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको जो है इसमें अच्छे से कंफर्म करवाना चाहती हूँ, याद करवाना चाहती हूँ कि अगर डेसिमल में यानी जो आपकी सिंपल काउंटिंग है उस काउंटिंग में आपके पास अगर ज़ीरो है तो बाइनरी में वो ज़ीरो ज़ीरो के ही इक्वल रहेगा। डेसिमल में यानी जो आपकी रोज़मर्रा की काउंटिंग है उसमें अगर आपके पास वन आ रहा है नंबर्स को ऐड करने पर या माइनस करने पर तो वो बाइनरी में किसके इक्वल हो जाएगा, वन। डेसिमल में अगर आपके पास टू है तो बाइनरी में वो टेन के इक्वल होगा, यानी टू नहीं लेंगे आप बाइनरी में बल्कि टू की जगह क्या लेंगे, वन और ज़ीरो टेन। डेसिमल में अगर आपके पास थ्री आया है प्लस करके तो आंसर में आपके पास बाइनरी के तौर पे आपने लिखना होता है वो बाइनरी में क्या आ जाएगा आपके पास, अलेवन यानी वन वन अलेवन। फोर आ रहा है आपके पास तो आपके पास फोर नहीं आएगा बल्कि फोर की जगह बाइनरी में आपने क्या लिखना है, हंड्रेड लिखना है। क्या लिखना है, हंड्रेड। ये कुछ डिजिट्स हैं जो आपने अच्छे से अपने जहन में बिठाने हैं, तो इन्हीं डिजिट्स के हवाले से आप एडिशन बाइनरी नंबर्स की एडिशन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.4, उसका पहला पार्ट यानी ए पार्ट क्वेश्चन आपके पास है एट द फॉलोइंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आप इन गिवन नंबर्स को सॉल्व करें। पहला पार्ट मुझे गिवन है 110 और 11। ठीक है, 110 और 11, इसे हमने ऐड किया। यहाँ देखें साइड पे मैंने वो चार्ट बना दिया ताकि आपको आसानी रहे। जीरो में जब मैंने वन ऐड किया तो मेरे पास वन आया, तो वन बाइनरी में किसके इक्वल है, वन के ही इक्वल है। वन में जब मैंने वन को ऐड किया तो मेरे पास आया टू। क्या आया, टू। एडिशन हमने सिंपल डेसिमल में ही करनी होती है। वन में वन ऐड किया तो मेरे पास आया टू, लेकिन ये टू बाइनरी में किसके इक्वल है, टेन के इक्वल है। किसके इक्वल है, टेन के। सो मैंने यहाँ जीरो लिखा और वन मैं ऊपर ले गई। 10 है, 10 में मैंने 0 नीचे लिखा और 1 ऊपर चला गया। फिर 1 और 1 को जब मैंने ऐड किया तो वो मेरे पास किसके इक्वल हुआ, 2 के। और 2 असल में इक्वल है किसके, 10 के। किसके इक्वल है, 10 के। सो मैंने यहाँ लिख दिया 10। यानी एडिशन करके जो इसका मेरे पास आंसर आया है वो 1001। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास 1 और 0 के अलावा कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं होता। सो इसीलिए यहाँ मेरे पास 1 और 0 के अलावा आपके आपको कोई और नंबर दिखाई भी नहीं दे रहा, यानी 2, 3 इस तरह का कोई नंबर नहीं ले सकते बल्कि हमने बाइनरी के नंबर्स यहाँ लिखने हैं। सही, अब देखें तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट हमारे पास है 1110 और 111, 111 यानी। अब हम इसकी एडिशन करेंगे। जब हम एडिशन करेंगे तो जीरो में मैंने वन को ऐड किया, जीरो में वन को ऐड किया तो मेरे पास आया वन ही और वो वन के इक्वल है बाइनरी में, सो वन आ गया। वन को वन में ऐड किया तो मेरे पास आया टू। क्या आया, टू। यानी एक और एक दो होते हैं ना, लेकिन हम यहाँ दो नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है और दो बाइनरी सिस्टम में इक्वल है टेन के। सो जीरो यहाँ आ गया, वन कैरी ऊपर चला गया। फिर वन वन वन, इन्हें जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया थ्री। क्या आया, थ्री। थ्री बेसिकली इक्वल है बाइनरी में अलेवन के। किसके इक्वल है, अलेवन के। सो वन यहाँ लिखा, वन कैरी चला गया। वन और वन टू, टू इक्वल है मेरे पास टेन के। किसके इक्वल है, टेन के। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ आंसर आ गया 10101। ये मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम का इसमें आंसर आ गया है। ठीक है, होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि आपने क्वेश्चन ए के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं एक्सरसाइज 3.4 के।
इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।